जम्मू कश्मीर धरती का स्वर्ग करके जानी जाती है। ये धरती खूबसूरत वादियां, मनमोहक वातावरण ते आसमान छूंदे पहाड़ देख के हर रूह महसूस कर सकती है कि इत्थे कुदरत किन्नी संतुष्ट होवेगी। कुदरत नूं इत्थों दे वसनीकां तों कोई गिला नहीं होवेगा। पर साल 2014 दा सितंबर महीना जम्मू कश्मीर ते कहर बन के वरिया। कुदरत इन्नी कहरवान हुई कि हर छोटा वड्डा पशु पंछी अमीर गरीब गल की उस धरती ते वसदी हर चीज कुदरत दे उस तांडव विच कंब उठी। लोग घरों बेघर हो गए, जान माल दा ना गिणिया जाण वाला नुकसान होया। लोग पानी दी एक एक बूंद नूं तरसन लगे, तन दे कपड़े भी साथ छड्डन लगे। जिंदगी दी रवानगी एक बार तां पूरी तरह नाल थामी गई, पर कहिंदे ने जदों कुछ भी बाकी नहीं बचदा तां भी भविख साडे कोल बच जांदा है। उन्हां लोकां दीआं मदद लई उड़ीकदीआं नज़रां नूं जिंदगी दी आस उदों मिली जदों इंसानियत नूं जिंदा रखण वाले जिंदा दे लोक उन्हां दी मदद लई पहुंचे। साडे देश दी फौज भी हर वेले हाजिर रहिंदी है, पर कई लोग अजिहे भी सन जिन्हां ने एक एक इंसान दे मूँह विच अनाज तन ते कपड़ा पहुंचा के जिंदगी नूं ली ते लियाउण दी कामयाब कोशिश कीती ते निरंतर कर रहे ने। इन्हां विचों एक संस्था जिसदे नौजवान सब तो पहला पहुंचे ते सब तो मोरी रहे, ओह सी सिख रिलीफ यूके। की ने उथों दे दर्द परे हालातां दीआं तस्वीरां ते उस त्रासदी नाल किवें जूझे ओह लोक, ऐ सब दुख दर्द सांझा करन लई पहुंची सिख रिलीफ यूके दी टीम। आदाब भाई साहब। आदाब भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहजमान है। शाहजमान साहब जी, जब जहाँ फ्लड आया, फ्लड का पानी है, क्या आप इसी घर में रहते? हाँ हाँ, हमारा यही मकान है, हम यही घर में ही रह रहे थे उस वक्त। लेकिन फैमिली को मैंने 12:30 बजे रात को निकाला था। लेकिन हम दो, मेरे साथ एक खालिद साहब हैं और ये तारिक साहब हैं, हम आपस में हमसाया है, हम यही घर में ही रहे थे और से नहीं निकले थे। और पानी यहाँ पर 2:30 बजे के करीब स्पिल ओवर हुआ था, बंड से स्पिल ओवर हुआ, कहीं पर बंड ब्रीच नहीं हुआ। तो उसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब बंड ब्रीच होने लगे। तो उस वक्त हमने, चूंकि पानी बहुत आया था, लेकिन हमने कोशिश की कि हम अपने आप को बचाए, और हमने पिछले सहन से छलांग लगा के हमने अपने आप को बचाया और पानी यहाँ तक आया था तब जी। फिर तो इस पानी की वजह से आपके घर का और घर के सामान का बहुत नुकसान हुआ होगा। बहुत ही ज्यादा, जो हम बयान ही नहीं कर सकते हैं लफ्जों में, बहुत ज्यादा बयान। खाली हमारी जान बच गई है और कपड़े जो हमने पहने हुए थे वही बच गए, बाकी कुछ नहीं बचा। इस नुकसान की भरपाई या इस नुकसान का सार लेने या जायजा लेने कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया? बिल्कुल कोई नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आया था सरकार की तरफ से, कोई रेस्क्यू नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिला। और जो लोग यहाँ फंसे हुए थे, हमने तो अपनी जान पर खेल के रिस्क लेके अपनी जान बचाई, लेकिन जो लोग यहाँ पर फंस गए लगभग 10-10 दिन तक, 5-5, 8-8 दिन तक लोग फंस गए, और कोई बोट नहीं, कोई रेस्क्यू नहीं, जो भी किया वो लोगों ने खुद किया। तो आप अब सरकार से क्या मांग करते हो? हम सरकार से यही मांग करते हैं, सबसे पहले वो पानी यहाँ से निकाले, डिवाटरिंग का सिस्टम करे, ताकि हम अपने घरों में जाएं। हमें 20 दिन, आज 7 तारीख को फ्लड आया, आज तो 2 अक्टूबर है, आज तक यहाँ पर कोई नहीं आया और हम अपने घरों में नहीं जा सके अभी तक भी, क्योंकि डिवाटरिंग नहीं हो रही है प्रॉपरली। नहीं, पहले तो मैं डिवाटरिंग की बात करूंगा, पहले जब डिवाटरिंग होगी उसके बाद हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए। पानी तो चलो है, क्योंकि जो पीएचई डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने पानी यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन बिजली अभी तक नहीं है। 1 महीने होने को है, बिजली भी नहीं है और सड़कों का तो आप हाल देख रहे हो, और यहाँ पर कोई, आप भी आए हैं, यहाँ कोई इमरजेंसी नहीं लग रही है। इतना बड़ा डिवास्टेशन हुआ, अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स हुए, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया, हमारे पास कोई नहीं। डीसी साहब आए थे, वो 20 दिन के बाद आए और यहाँ तक पहुँचे, यहाँ सारा पानी जमा हुआ था। हमने उनको कहा एक पंप दे दीजिए, उन्होंने कहा 10-15 मिनट या आधे घंटे में पंप पहुँच जाएगा, लेकिन अभी तक डीसी साहब यहाँ दोबारा आए ना, उन्होंने पंप भेजा।
जी भाई साहब, हम आपकी आवाज उन सरकार के नुमाइंदों तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो बेटा। बेटा आपका नाम क्या है? शिफा आरिफ। आप यहीं रहते हो? जी। आपसे घर कौन सा है? जी ये। बेटा जब आप जहाँ पानी आया था, क्या आप इसी घर में थे? जी हम 5-6 दिन तक यहीं पर थे, फिर हम लोग दादी के घर गए। दादी के घर से हम लोग बोट में हमें निकाला गया, फिर हम लोग होटल दादू के होटल में गए। इस घर में कहाँ तक पानी आया था? एक मंजिल, दो मंजिल? जहाँ अब तक पानी का निशान है वहीं तक। ओके। फिर जहाँ पानी आया था तब आप कहाँ गए यहाँ से निकल गए? मैं तो पहले से घर में ही थी, मैं तो दादी के घर में थी जब पानी आया। सब यहाँ पर रो रहे थे, दीवारें गिर गई, गेट गिर गए। उसके बाद फिर हम लोग गए होटल में, होटल से निकले, फिर गए पुलवामा, बहुत सारी जगह ऐसे घूम घूम के आए, फिर वापस घर आए। बेटा आप पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। आप सरकार और जहाँ जितनी भी जहाँ धार्मिक संस्थाएं आई हुई हैं जहाँ हेल्प करने के लिए, आप उनसे क्या मांग करते हो? हम उनको बोलते हैं स्कूल अभी नहीं खोलो, दिसंबर जनवरी में आप एग्जाम लो, पर मास प्रमोशन मत कीजिए। जी, हम आपकी आवाज सरकार तक, सरकार के नुमाइंदों तक और जितनी भी संस्थाएं आई हुई हैं उन तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अंकल जी, असीं सिख रिलीफ .tv वालों इत्थे श्रीनगर दे विच आए हुए हां, तां सब तो पहला तुसीं दसो अपना नाम की है जी? मेरा नाम हरबंद सिंह है। असीं 4 फैमिलियां इस मकान विच रहिंदे। 9 बजे पानी आया, 9:30 बजे असीं तमाम भर मुक्ता। असीं 3 दिन पिछे साडा किचन सी डबल स्टोरी, उस तो उपर बैठ गए। मेरा बच्चा एक हैंडीक्राफ्ट सी, बड़ी मुश्किल से चढ़े होते मकान डिग गया, तो सानू कोई बचाने वास्ते नहीं आया। 3 दिन असीं होंदे पिटते रहे। आर्मी वाले आए, कुछ कहे भाई मरो या किस निकलो, किस करो, असीं किस तरह निकलिए। फिर आर्मी वाले ही आए पिछले साइड तो, सानू 3 दिन के बाद असीं रोंदे पिटते, असीं सानू कट के लै गए पैर, नंगे पैर, कुछ भी सानू कुछ बचे नहीं। सानू असीं तबाह बर्बाद हो गए। तो बरसर असीं छठी शरबंगे गुरुद्वारे विच ठहरे गए इस वक्त। ना साडे कोल कोई कमरा लैण दा, ना कुछ ठिकाना, ना कुछ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਚਾਨਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਈ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਲਾਈਟ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਥਰੈਪਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਰੋੜੀ ਥਰੈਪੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਕੜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਟੱਪ ਲਿਆ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੈਂਟਲੀ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅਲਾਉ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਤੇ WHO ਔਰ ਹੈਲਥ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਰੇਡੀ ਅ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ, ਸੋ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਓ ਉਸ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋਨੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ .tv ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ, ਆਪ ਕਬ ਸੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਮੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਂ? ਹਮੇ ਹੋ ਗਿਆ 27 ਸਾਲ। किस चीज की दुकान है आपकी? फर्नीचर का दुकान। फर्नीचर का जहाँ काम करते थे आप, आपकी दुकान का ये कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो सब ये सब हो गया, नुकसान पूरा, मशीन हो गई खराब, जो सामान था वो भी खराब हो गया, सब कुछ ये खराब हो गया। बिल्कुल ये काम का लायक बिल्कुल ना दुकान रहा,
जो सामान था वो भी काम कर नहीं रहा। और कोई आया आपके सार लेने, कोई सरकार का नुमाइंदा कोई और? तो कोई नहीं आया। मोहम्मद साहब, आप उम्मीद रखिए हम आपकी आवाज ऊपर तक, सरकार तक पहुंचाएंगे और जितनी भी धार्मिक संस्थाएं जहां आई हुई हैं, हम ये आपकी आवाज उन तक जरूर पहुंचाएंगे। जी धन्यवाद। आदाब चाचा जी, आपका नाम क्या है? हजी गुल अहमद भट्ट जी। हम ये देख रहे हैं कि फ्लड की वजह से ये आपकी मस्जिद है जिसका काफी नुकसान हमें दिख रहा है, ये मस्जिद कब के समय से जहाँ बनी हुई है? 10-20 साल हो गया। 10-20 साल इस मस्जिद को बने हुए हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा? नहीं, कोई नहीं। हम आपकी आवाज सरकार तक, सरकार के नुमाइंदे तक लेकर जाएंगे। आप सरकार से क्या मांग करते हो? जो हमको नुकसान है वो तो देना है उसको। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज हम सरकार तक ले जाएं। जी धन्यवाद। आदाब चाचा। हाँ आदाब जनाब। सर आपका नाम क्या है? जनाब मेरा नाम है मोहम्मद मुजफ्फर, हाजी मोहम्मद मुजफ्फर। और जिस घर में हम खड़े हैं क्या आपका मकान है? जी हाँ, ये मेरा ही मकान है। मतलब कहने का मतलब है हम यहाँ मियाँ बीवी खाली रहते हैं, समझे ना। हमारी बेटियाँ दो हैं, उनकी वो ब्याह हो चुकी है, अब हम दो ही रहते हैं यहाँ पर जी। और जब फ्लड आया था क्या आप अपनी फैमिली के साथ यहीं शिफ्ट थे? जब फ्लड आया हमने अपनी आंखों से फ्लड को देखा, अपनी आंखों से देखा, हमारा मकान नीचे से हो गया, क्रैक हो गया, उसके बाद में मकान अलग अलग हो गया, इसके दो पार्ट्स इधर से हो गए, इधर से पार्ट्स हो गया। अब वो मौजज़ा थी, अंग्रेजी में बोलते हैं मिरेकल्स, एस्केप हमारा हुआ। जो ये टीना है, टीना वो पाँच छः इसके टीना के कुछ जो थे, कुछ हिस्से थे वो अलग आए, नीचे में फट्टा लगा था, करी लगी थी, हम करी पर मतलब उसी पर पानी पर फ्लोट होते रहे 36 आवर्स। ये सैलाब आया, ये जो बाढ़ आया, ये आया संडे में आया करीब सुबह 10 बजे, तो हम 36 आवर्स पानी में फ्लोटिंग रहे। नेक्स्ट डे मंडे 4:30-5 बजे तक शाम तक फिर रेस्क्यू में आया वो आर्मी का बोट। हमने मिन्नत किया, वो तो आर्मी थी, जेके वो एलाइट इन्फेंट्री। खैर हम उनके शुक्रगुजार हैं, हमने उनका आवाज़ दी, वो बेचारे आए तो हमको लिया, लेकिन 36 आवर्स हम ऐसे ही थे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है हबला मुजफ्फर। आतवार का दिन है, 7 सितंबर सुबह के 7 बजे। सुबह के 7 बजे अभी हमने चाय नींद से उठे तो मैंने खिड़की खुलाई, मैंने पानी इतना देखा कहने की बात नहीं है, सहन तक पानी आया। उसके बाद मैंने नीचे का कमरा, उसमें कुछ चीजें हैं, मैंने ऊपर उठाने की कोशिश की, ऊपर उठाया तो इतनी देर में आया है पानी उस कमरे में, नीचे वाले मंजिल में। फिर हम ऊपर चढ़े तो हमारा इतना 5 मिनट में पानी ऊपर चढ़ गया, तो मकान को कुछ गड़बड़ हो गया। हमने फिर सीढ़ी लाई तो उधर नीचे से हमको कोई है ना ये बरंडा, उसी पर हमने छलांग मारी। शाम के वक्त में खुदा से दुआ मांगते रात को बारिश ना आए, अगर बारिश आएगा ये पानी है ना यहाँ तक, ये पानी यहाँ तक ऊपर बारिश पड़ेगी, ये पानी आएगी तो हम बच जाएंगे। मगर खुदा का करना है रात को कोई बारिश नहीं पड़ी। हेल्पलेस है क्योंकि मेरा बेटा नहीं है, मुझे बेटियां हैं। चलो खुदा का शुक्र है वो बिचारे अपने घरों में बैठे हुए हैं, हम दो ही मियां भी है, उस छत पर कोई बचाने वाला नहीं है, कोई हेल्प न से। मुझे आज तक लड़की की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस वक्त मुझे पता है अगर लड़का होता वो कुछ ना कुछ कर सकता। गुरुद्वारों से कोई आई हेल्प आपको? नहीं, गुरुद्वार से कोई हेल्प नहीं आया। मैं सच को हमने हाज किया, हम क्यों झूठ बोलेंगे। फिर जो सब आपने चलाया सरदारों ने गुरुद्वार, उधर मुसलमान है किधर? एक डॉक्टर चस्ती, मैंने उसको कहा आप मेरे साथ आ, उसने कहा नहीं मुझे सरदारी साथ है, वो बड़ी अच्छी है, मैं उसी के पास गुरुद्वार में गुरुद्वार जाएगी, मैं भी जाऊँ। डॉक्टर चस्ती डॉक्टर बड़ी डॉक्टर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो, पहले अब रिटायर हो गई। फिर सरदारों ने उनको बहुत आवागत किया किधर, मुसलमान भी गुरुद्वार में गई। तुसी अपना बनवावा नाम दसो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है, मैं जवाहर नगर श्रीनगर कश्मीर विच रहिंदा हां। हां जी। ते जब फ्लड आया ते तुसी किथे सी? असी कारी सां 7 तारीख सवेरे एतवार वाले दिन, सवेरे कोई 6 बजे 2 या 3 फुट पहले पानी आया, उस तो बाद
महजूनगर का पानी एकदम इन्नी तेज आया कि एक फ्लोर पानी चढ़ गया। साढ़े कार साढ़े चाचा जी तो बुआ जी भी आए हुए सन जोड़े महजूनगर रेंदे सन क्योंकि उत्थे पहले ही पानी चढ़ाया हुआ सी। तो असी कार विच टोटल 13 बंदे सन जिदे विच बुजुर्ग 70 साल के दो बंदे भी सन। तो मकान अचानक ही क्रैक होना शुरू होया तो साढ़े जड़े मेरा छोटा भरा कजन जड़ा है सनमप्रीत सिंह उन्हें स्विमिंग करके बाहरों एक फट्टे दो चार लियाए उस फट्टे उपर जाके बह गया लॉग बुलाए। फिर सारी फैमिली असी ए वाला जो बरांडा सी साडा इस बरांडे तो इस हाई टेंशन तार नाल जाके खड़े हो गया ते उत्थे ही जाके अपनी सारी फैमिली बिठा दी थी। ते दो दिन असी इस तरह ही रहा। उस टाइम साढ़े नाल सनमप्रीत सिंह ने जिन्होंने 13 बंदा की कीमती जाना उस टाइम बचाई जिस टाइम बहुत जरूरी सी फ्लड विच आके इन्होंने स्विमिंग आती सी ते कीमती 13 जाना इन्हें बचाओ इहदे नाल आपां गल करदे आं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे को स्विमिंग आती तो फिर मैंने डाइव लगाई तो कड़ियाँ रूटीन कलेक्ट किए फिर इधर बरांडे के सामने रैंप एक बनाया उससे हमने दो बुजुर्ग भी उतारे और जो भी थे नीचे रैंप पे रह रहे थे वो उनको भी चढ़ाया सबको चढ़ाया। उधर हम 13 लोग एक दिन और एक रात उधर ही थे और कुछ घंटे तो उसके बाद फिर ये शिकार एक था उसने हमें साथ वाले घर में पक्के मकान में ले गए। उसके एक दिन बाद वो आए आर्मी की बोट्स आई तो फिर हम उसमें बाढ़ तक चले गए उसके बाद हम गुरुद्वारा में रहे। आर्मी ने आपको खिड़की से निकाला और उसके बाद आपने इस घर का जो सार लिया आपको पता चला कि घर आपका गिर चुका है तो आपको अब तक कितना नुकसान हो चुका है? हमें सारा कुछ जो नीचे था ऊपर था वो सारा बह गया। फिर हम 40 लाख रुपया का नुकसान हो गया था। चाचा ने पाती 40 लाख का हमको मकान सारा खराब है। ये क्रैक भी हो गया, ये भी क्रैक हो गया, साइड पर भी क्रैक है। गवर्नमेंट के पूछते ही नहीं कोई हमको। फिर आर्मी वाले ने मैंने मिन्नत किया ये हमारा पड़ोस में है फिर वो सुनार है हमारा पड़ोस में वो भूखे थे मगर हम क्या करते थे उस वक्त मगर मैंने मिन्नत मांगा उसको जिसको बचाओ यहाँ सियार पिस वाली थे जिस पर दरख्त पर चाहिए थे मैंने बोला ये अपनी आदमी है इसको बचाओ। उनको नहीं बचाया मगर हमको बोला आप उसमें मैंने बच्ची और बच्चा दो तीन निकाला इधर से खिड़की से। तो आप कह रहे आर्मी के ऐसा हाँ आर्मी ने बहुत एहसान किया एहसान। 4 दिन हम लगातार उधर अटक कर बैठे थे कोई रिलीफ कोई किसी किस्म का कुछ गवर्नमेंट एजेंसी से कोई हमें कोई मदद नहीं गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं आर्मी कोई गवर्नमेंट कोई नहीं कुछ भी नहीं आया। जो कुछ हमारे पास अपने घर में जो कुछ था उसी पर गुजारा करते रहे तो 4 दिन तक हम उधर ही थे। हमारे यहाँ एक छोटी बच्ची थी आर्मी का बोट आया यहाँ पर उसने उनको बुला के लाया हमें बचाओ वो आए उन्होंने कहा बेटा ठहरो हम आपकी तरफ आ रहे हैं। वो आए तो उन्होंने हमें रेस्क्यू किया तो हम 4 दिन लगातार यहाँ बैठे 4 दिन के बाद हम आर्मी बोट ने हमें यहाँ से निकाला। तो उसके बाद आप कहाँ ठहरे हुए? उसके बाद हमें ये कोई डेस्टिनेशन नहीं थी कहाँ पर ठहरेंगे यहाँ से। हमें जब निकले क्योंकि हमें स्ट्रेस था जबरदस्त ये नहीं पता था कि हम कहाँ जाएंगे किधर जाएंगे तो फिर हम अपने ही एक रिलेटिव के पास वो हमें इंतजार में थे उनको पता था कि ये शायद मर गए हैं अब हमें लाशें निकालनी है तो उनको ये पूरा था कि ये नहीं होंगे यहाँ पर जिंदा। तो वो 2-3 दिन लगातार वो आते रहे बंड पर हमें देखने के लिए हमारे तक वो पहुंच नहीं पाए। हम ही कुछ यहाँ से आर्मी ने हमें रेस्क्यू करके वहाँ उन्होंने हमें पिकअप किया तो हम इस वक्त उनके यहाँ ठहरे हुए हैं। तो अब आप क्या मदद मांगते हो गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको क्या हेल्प होनी चाहिए? ये तो सामने है गवर्नमेंट को वो देखेंगे खुद ही क्या है क्या नहीं है इनका क्या हाल हुआ है। तो हम बिल्कुल खत्म हो गए हैं जो भी है अब 4 दीवारी खड़ी है अभी ये खड़ी है ये गिर नहीं गई है अभी ये खड़ी है अब पता नहीं है आगे मत कुछ क्योंकि इसको 10-15 दिन तक ये पानी इसी तरह रहा। गवर्नमेंट ने इवन ये तक नहीं किया कि पानी निकालते डिवाटरिंग करते या कुछ ऐसा होता वो बेबस दिखाई दे फिर ये बांध काटा गया है उससे ये आस्ता आस्ता पानी नीचे चलता गया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी असीं सिख रिलीफ टीवी वालों ये जो कश्मीर दे विच श्रीनगर दे विच फ्लड आया है उस दे दौरान जो इत्थे होए नुकसान उस सब दा जायजा लैण वास्ते सिख रिलीफ टीवी जो सारी टीम इत्थे पहुंची है। सो आप जी नूं असीं पुछांगे कि तुसीं किन्ने समें तों इस मकान दे विच रह चुके हो? जी इत्थे मेरा नाम जसपाल सिंह है इस मकान दे विच तकरीबन मैनूं 15 साल हो चले इत्थे रहे नूं
अच्छा जी, 15 सालों तो तुसी इस मकान दे विच रह रहे हो। जिस तरह असीं देख रहे हैं कि सारा मकान तुहाडा ढह ढेरी हो चुका, तुहानूं की लगता भी इस मकान दे विच किन्ना क समान सी, किस तरह जिहड़ा कि तुहाडा सारा नुकसान होया? समान तो जी जो घर का होंदा सारा बनाया सी, जिहड़ा आम जिनसां ते फ्रिज टीवी अलमारी वाशिंग मशीन ये सब, मतलब बेड बुड सब तैयार किया। कोई सोचा नहीं सी कि मतलब इन्ना पानी कश्मीर से भी आ जाएगा, मतलब सब रुट गया सारा। आप जी का काम धंधा की सी, की आप जी करते सीगे? मैं कारपेंटर दिहाड़ीदार बंदा, इत्थे लकड़ का काम करदा। इत्थे तुसी इस घर दे विच किन्ने फैमिली मेंबर रहिंदे सीगे? असीं जी 6 मेंबर सां, मियां बीवी ते 2 मेरे बच्चे ते 2 बंदे ओह सी मेरे नाल रहिंदे सी, 6 बंदे सी असीं। फिर इस टाइम तुसी सारा परिवार और आप जी कित्थे रह रहे हो? जिथे काम चलता है उथे झुग चुपिया वाला हाल है, उथे कि उथे रह लै, 5-7 दिन उथे रह लै। बाकी साड़ी सार किसी ने नहीं ली, अस एक रिलीफ वाले आए ने विचार, इन्होंने कल सानू थोड़ा बहुत राशन पानी दिता है, पानी की बोतलां कल 2 पेटियां घर साढ़े घर पहुंचे जाने, तो बाकी और सानू कोई जुगाड़ नहीं, ना कंबल का पता है ना बंदा का पता। ऐलान बड़े बड़े हो रहे पर सानू समझ नहीं लग रही, पता नहीं लग रहा कि मिल की डह कितने दया, सानू कोई समझ नहीं लग रही। मतलब कोई सरकार वालों मदद हो गई? कोई मदद नहीं किसी तरह की, कोई हाल कोई आज तक देखने नहीं आया, पूछने नहीं आया कि तुम जिंदा हो या मर गए हो कि है ना। जो भी इतने संस्थाव हेल्प करने वास्ते पहुंची ने, जां सरकार को लों तुहाडी की मांग है, की तुसी मांग करदे हो कि वो तुहाडे तक पहुंचन ते तुहाडी जिहड़ी जरूरत पूरी करन? देखो जी, सब तो पहला तो सर मौके पर पहुंची एस एस सी खलीफ की टीम ही है, बहुत इन्हों का धन्यवाद दें कि जो मौके पर पहली बार आए हैं साड़ी सार पूछने वास्ते। बाकी पता लगा कि बहुत सारी संस्थावान मदद कर रही हैं, पुरजोर सेवा भी हो रही है, तो मैं भी चाहवा कि चलो ज़्यादा तो नहीं मेरी हो सकती, जिन्ना मेरा नुकसान है घट्टो घट्ट पूरा किया जाए। बाकी तो बाकी उन्होंने मर्जी है, सरकार तो कुछ कोई आस नहीं की जा सकती अभी तक जी। गुरु साहिबाना दे दसे मार्ग ते चलदियां सिख रिलीफ वालों मनुखता दी भलाई लई होर भी अनेक कारज कीते जा रहे ने। इन्हां कारजां विच जे तुसी भी अपना किसी प्रकार का योगदान पाउणा चाहुंदे हो तां स्क्रीन ते दित्ते अकाउंट नंबर ते अपना दसवंध भेज सकते हो।